शशांक मनोहर ने तत्काल प्रभाव से आईसीसी अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया है। मनोहर ने व्यक्तिगत कारणों के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि मई 2016 में उन्होंने आईसीसी के चेयरमैन के रूप में चुना गया। इसके बाद उन्होंने 2 साल की अवधि पर हस्ताक्षर किए, जो बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटने के तुरंत बाद शुरू हुआ था। चुनाव प्रक्रिया के दौरान पद के लिए शशांक मनोहर एकमात्र नामांकित व्यक्ति थे, जिसके बाद आईसीसी ने उनकी नियुक्ति का समर्थन किया, जिससे उन्हें सफल उम्मीदवार बनाया गया। आपको बता दें कि शशांक एक प्रमुख भारतीय वकील हैं, जिन्होंने 2008 से लेकर 2011 तक बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में सेवा की। जगमोहन डालमिया के बाद शशांक अक्टूबर 2015 में बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए और उस स्थिति के आधार पर आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।